दोस्तों से यही कह के शुरू कर सकता हूँ कि दोस्तों, लेकिन दोस्तों को मैं हिंदी में नहीं कहता, मित्रों वो अब शुद्ध उर्दू में ही दोस्तों कहता हूँ मैं। इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मैं कहा भी था अरुण से कि इस बार मेरी बारी नहीं है कुछ सुनाने की, कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बातें हैं जो घर की हैं तो वो फिर बोलनी पड़ जाती हैं, तो कहनी पड़ जाती हैं, घर के राज खोलने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी ऋतु रंग के इस सिल्वर जुबली, इस 25 साल में के इशू के साथ मेरी मराठी की उम्र 25 ऋतु रंग हुई है। पहली बार ये हुआ कि जिंदगी में मैं फेल हुआ था, तो इनके नापास मौला जी की खुशी में जाके तो मुझे पहली बार फख्र महसूस हुआ, तो बड़ा अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, कहीं पास होता तो ये तो कोई जगह नहीं बनती। एंड आई गॉट इनटू अ गुड कंपनी, मतलब मेरे साथ मेरे पास बैठे हुए थे, उसमें तस्वीर थी शिंदे साहब की भी, मैं कहा अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है। मालूम हुआ कि आइंस्टाइन भी बैठे हुए वहाँ पे उस शहर में, फिर लगा यार तो बड़ी अच्छी बात है, लोग खाम खा पास होने की कोशिश करते हैं और गलती करते हैं, वो कुछ ना करें, सिर्फ अरुण छोटे के पास चले जाएं तो वो उन्हें एक अच्छी डिग्री दे देंगे कि हाँ आपके फेल होने की डिग्री ये रही, आज आपके फेल होने की डिग्री दी जाएगी। सर देखिए, मकान सबके पास हैं, कई लोगों के पास बसे हुए हैं, अभी तक घर नहीं है। आपका जो घर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और यहाँ वो जो घर जिसकी आपको तलाश रहती है वो क्या है, और पता नहीं कि आप तरक्की कर गए जिंदगी में, तरक्की करते करते कहाँ पहुँच गए, और आपको याद भी नहीं और पता भी नहीं कि आप अपना घर कहाँ छोड़ के चले आए हैं और आप यहाँ तक पहुँच गए। ये एक अजीब नुक्ता नज़र, एक अजीब दृष्टिकोण, एक अजीब पॉइंट ऑफ व्यू था जो उनके साथ हुआ, और इस तरह से वो हर बार जो तलाश करना एक सब्जेक्ट का, अब पहचान तलाश ये इस तरह के सब्जेक्ट उसमें से निकल आते हैं। आप किसी एक शख्स को जिसको आप अपनी जिंदगी का मरकज बना सकते हैं, अपनी जिंदगी का सेंटर, कोर ऑफ योर लाइफ, अब वो वाकई अब ढूंढिए तो आपको तलाश करनी पड़ती है कि कहीं सबकॉन्शियस में कोई एक एक बिंदु है बना हुआ जिसमें एक तस्वीर बनी हुई है, जिसमें एक चेहरा छुपा हुआ है, और आपकी जिंदगी का मरकज वो है, और वो नहीं है जो आप सोचते चले हैं, नहीं मेरा बच्चा मेरा नॉर्मल है, माय वाइफ माय बिलव्ड माय गर्लफ्रेंड माय मदर माय फादर। और पता चला कि आप जब उस तलाश में अगर चले गए हैं तो वाकई कोई ऐसा शख्स निकल आया, या तो वो वाकई आके आपका ब्लड रिलेशन में आपके खून में घुला हुआ नज़र आया, और या कोई आस पड़ोस से गुजरता हुआ जो आपकी ज़िंदगी को एक टर्निंग दे के चला गया, जिसने आपकी ज़िंदगी का एक मोड़ मोड़ा, और जहाँ से आपका एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे साथ बात होती शुरू हुई तो मैं अपने टर्निंग पॉइंट्स ढूंढने लगा कि मेरे टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे थे, तो ख्याल आया कि हाँ एक मेरा टर्निंग पॉइंट था गुरुदेव टैगोर, आप इसे बंद कर दो ना, टैगोर ने एक टर्निंग पॉइंट दिया था। हाँ वहाँ से मैं जासूसी नॉवेल पढ़ा करता था, थ्रिलर जादुई कहानियाँ वो पढ़ा करता था, और रात गुजारनी मुश्किल होती थी, मुझे गोडाउन में जाकर सोना पड़ता था, तो उसके लिए उस तरह के पास, और एक पुस्तक वाला जो पास में जो किराए पर दिया करता था किताबें, वो चार आने हफ्ते में आप जितनी मर्जी किताबें लेके चले जाओ उससे, उसकी लाइब्रेरी एक इस तरह की थी, तो मैं वो एक दिन में ख़त्म करके चला जाता था, तो चिढ़ गया मुझे, क्या चाराने में कितनी किताबें दूंगा तुम, कोई नहीं ये उठा के ऊपर से ये लेके जाओ और ये पढ़ो।
वो किताबें ऊपर की शेल्फ में जो बिकती नहीं थी या लिखते नहीं थे लोग, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी गार्डनर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और वो पहली किताब जो मैंने चोरी की, बेईमानी की, और किताब रख ली, एंड माय टोटल टेस्ट ऑफ टीम वो सारा का सारा मुड़ा। आई सेड दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट, एंड देन टर्निंग पॉइंट टर्न्ड आउट टू बी, मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहता था, मैं काम नहीं करना चाहता था, मुझे सिर्फ लिटरेचर का शौक और किताबों का शौक। और मुझे पकड़ के एक मोटर गैरेज में काम करता था, उठा के बेमन लाल ने उठा के ये यहाँ पे इधर एक एक गाना लिखना था, उसकी सिचुएशन समझाई, मोरा गोरा हम ले ले जिस पे गाना लिखा, एंड देन ही डिडंट लेट मी गो बैक, वापस नहीं जाने दिया मोटर गैरेज में। टर्निंग पॉइंट तो वहां पर है, वो फिर तलाश में टर्निंग पॉइंट दूसरा मिल गया। करते कराते कुछ दोस्त मिले जिन्होंने रस्मी गजलें लिखता था, और रस्मी उर्दू की शायरी का एक अंदाज है जो चला आता, और बस वाह वाह कहा और आधा वर्ष कहा और बस वो हो गया, तो बड़ा अच्छे लगते थे। हाँ दोस्त आदाब कहते हैं। सुखवीर एक दोस्त मिले, मैंने इनसे जिक्र किया, जिन्होंने वॉल्ट विटमैन लोरका और पैब्लो नेरुदा इस तरह की किताबें उठा के सामने रखी, कहने के देखो ये पढ़ो, एक जमान में कभी शायरी पूरी नहीं होती, अगर आपको हिंदुस्तान की शायरी भी देखनी है तो वो एक जबान में नहीं मिलेगी, वो तमाम जबानों में क्या हो रहा है जब तक वो नहीं जानोगे तो वो पता नहीं चलेगा। और वहाँ से साहब वो पढ़ाई उन्होंने दुनिया भर की तो शुरू की, लेकिन दुनिया भर के साथ अपने यहाँ हिंदुस्तान की शायरी को समझना मुश्किल था कि यहाँ मेरे यहाँ क्या हो रहा है, इसकी ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटता है क्या ये शायरी का हिस्सा है, और यहाँ पे रहते रहते एक खूबसूरत मौका मिला पी एल देशपांडे का, जिस वक्त वो बैठते थे अपनी वाइफ के साथ और किसी एक शायर को लेके कवि को कह के सुनना शुरू करते थे, और फिर उसका वर्णन होता था। वो करते करते साहब पहली बार वो खूबसूरत मराठी कानों में पड़ी है, मराठी का वो लहजा जो सुना था, जो पुणे जाके सुना था, सत्तारा में जाके सुना था, वो लहजा मुंबई में नहीं मिलता, लेकिन जब वो पढ़ते थे कविता तो मराठी का वो लहजा शुरू हुआ और वहां से लिया। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर सीखना है, समझना है, तो इसे अपने अंदर बसा लो। और वो बसाने के लिए मैंने मराठी की किताब, मराठी की कविताएं, उनके तर्जुमे शुरू किए, और तर्जुमे शुरू करते करते मैं इनके साथ फिर इनको पकड़ लिया। मैं कहा मेरे साथ बैठिए, मैं इन शायर को सुन चुका हूं, नासिक में सुना है, कुसुमाग्रज, मैं इनकी कविताएं बाकी सुनना चाहता हूं, इसमें से चुनना चाहता हूं, और चुन के उसे अगर हिंदी में करूंगा तो ये मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूं, जिसका आपने जिक्र किया कि कुसुम आग्रज का, कि दूसरों के लिए नहीं किया, ये अपने सीखने के लिए किया था। आज की शाम मैं मराठी दोस्तों में बैठकर अपने आप को पूरा मराठी महसूस करता हूं। काश मैं ये जबान उतनी सीख जाता कि मैं आपके साथ बिला झिझक बोल सकता, मैं बोलता हूँ उनके साथ टेलीफोन पर सिर्फ। ये शाम मेरे लिए एक नसीब की शाम है कि मैं आते आते समाज की, सोसाइटी के उस हिस्से में आया हूँ जहाँ मैंने दिलीप चित्रे, अरुण कोलाटकर और मराठी का कुछ शायर जिन्हें मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ, और वो मराठी मैं हिंदी का हिस्सा बना चुका हूँ। आई विश के मैं हिंदी, उर्दू और दूसरी जबानों की शायरी भी आप तक पहुंचा पाता जो मराठी में, लेकिन मराठी से जो मैंने इतना कुछ लिया है वो लेकर मैं यकीनन एक किताब है जो अपॉइंटमेंट डे के नाम से जो अगले साल तक आपके पास आएगी, कि मैं आपको हर रोज एक नज्म,
एक नई पोएम हर रोज पढ़ने के दूंगा जो आज के दौर की है, मास्टर्स नहीं, आज के दौर के जो हमारे इसको कराएंगे, एंड दैट वो आप अगले साल तक, तो इस साल के अगले साल के एंड तक मेरा ख्याल है वो पहुंचेगी, लेकिन इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगी। मैं जो मुझसे कहा गया था, जैसी उम्मीद की गई थी कि आप एक कविता कौन सी सुनाएंगे, तो मैं एक कविता आपको जरूर सुना सकता हूँ, और वो कला उसमें शामिल है जो उस चेहरे की है जिसे मैंने देखा नहीं है। उस चेहरे की एक नज्म है जो उससे मंसूब है जिसकी शक्ल मुझे नहीं मालूम, जिसकी सूरत मुझे नहीं मालूम, और जिसने मुझे जन्म दिया है। वो बात सिर्फ उतनी सी है, क्योंकि मैं अपनी माँ की सूरत से वाकिफ नहीं हूं, और उनकी कोई तस्वीर हमारे यहाँ खानदान में नहीं है। तो एक सवाल आया कि उसको मैं ढूंढूंगा, अगर जानना चाहूं तो कैसे ढूंढूंगा, कैसे करूंगा। और वो नज़्म कुछ यूं है कि तुझको पहचानूं भी कैसे, तुझे देखा ही नहीं, तुझको पहचानूं भी कैसे, तुझे देखा ही नहीं, ढूंढा करता हूं तुझे अपने ही चेहरे में कहीं, आईने के सामने खड़े होकर। आप इमेजिन कीजिए कि आप सोचें, अगर आपके फीचर्स माँ से कुछ तो मिलते होंगे, कहीं तो होता होगा, देन हाउ डू यू फाउंड, जहां से आपकी स्क्रिबलिंग एंड स्केचेस शुरू होते हैं। तुझको पहचानूं भी कैसे, तुझे देखा ही नहीं, ढूंढा करता हूं तुझे अपने ही चेहरे में कहीं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, ये तो लवरेज है पानी से मगर प्यासी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, ये तो लवरेज है पानी से मगर प्यासी हैं। कान में छेद है, पैदाइश ही आया होगा, तूने मिन्नत के लिए कान छिदाया होगा। कोई मन्नत मांगी होगी, शायद किसी बेटे की या बेटी की। कान में छेद है, पैदाइश ही आया होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिदाया होगा। सामने दांतों में वक्फा है, तेरे भी होगा। How do you imagine a face which you have not seen and which you know you are a part of that face? मतलब आप उस चेहरे का हिस्सा हैं, उस चेहरे को देखा नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि आप हैं उसी हिस्से का, उसी चेहरे का एक हिस्सा है। कान में छेद है, पैदाइशी आया होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिदाया होगा, और सामने दांतों में वक्फा है, तेरे भी होगा। एक चक्कर तेरे पांव के तले भी होगा, जाने किस जल्दी में थी जन्म दिया दौड़ गई। एक चक्कर तेरे पांव के तले भी होगा, जाने किस जल्दी में थी जन्म दिया दौड़ गई। क्या खुदा देख लिया था जो मुझे छोड़ गई। मेल कर देखता हूँ, मेल कर मतलब मिला कर देखता हूँ, मेल कर देखता हूँ मिल जाए कोई तुझसा कहीं। तेरे बिन ऊपरी लगती है कभी सारी जमीन, ढूंढा करता हूँ तुझे अपने ही चेहरे में कहीं। तुझको पहचानूं भी कैसे, तुझे देखा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलदाजींचा उल्लेख करताना असं सांगण्यात आलं की त्यांना स्वस्तुती आवडत नाही, काय अशी माणसं आजकाल असतात यावर विश्वास बसत नाही, कारण ते जेव्हा बोलतात तेव्हा शब्दांची कविता होते, आणि ते जेव्हा कविता गातात तेव्हा त्या कवितेचं तत्वज्ञान होते, आणि त्यांचा हसरा चेहरा हीच एक कविता आहे, असे सुशील कुमारजी। शंभर वर्षापूर्वी साधारणतः दिवाळी अंकाला सुरुवात झाली, काशीनाथ आसगावकर यांनी मला वाटतं पहिला दिवाळी अंक काढला होता,
आणि त्याच्यानंतर सध्या जवळपास 1000 अंक मराठीमध्ये निघतात. हा अंक हातात घेतल्यानंतर मी पहिल्यांदा त्यात कोणाकोणाचे लेख आहेत हे नाही पाहिलं, मी त्यात जाहिराती आहेत की नाही हे पाहिलं, कारण GST आणि डिमॉनिटायझेशन नंतरचा हा पहिला अंक आहे, त्यामुळे ह्याच्यात ते जमतंय की नाही हे बघायचं होतं, कारण हे एक वेळ आहे, हा एक ध्यास आहे. दिवाळी अंक काढणे हा एक आंबट्याचा व्यवहार आहे, परंतु गेले 25 वर्ष अत्यंत नेकीनं अरुण शेवते करतायत याला फार महत्व आहे. या 25 वर्षाच्या काळात म्हणजे त्यांनी जेव्हा पहिला अंक काढला त्यावेळेला काँग्रेसची सत्ता होती, त्याच्यानंतर जवळपास 7 प्रधानमंत्री आणि आपल्याकडे 8 मुख्यमंत्री येऊन गेले. हे जरी असलं तरी या अंकाची लोकप्रियता, वाचकप्रियता आजही तितकीच कायम आहे, हा दर्जा त्यांनी राखला. हे मराठी भाषेचं वैशिष्ट्य आहे की आमच्याकडे इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अंक निघतात, दिवाळी अंक निघतात. हे भाग्य इतर कुठल्याही मराठी भाषेला लाभलं आहे असं मला वाटत नाही. दिवाळी आली की आपल्याकडे सुगंधी तेल उठणं, घरातून फराळाचे खमंग वास, हे सगळं याच्याबरोबर हल्ली एक नवीन, त्याच्यामुळे आम्हाला कळतं की दिवाळी आली ती म्हणजे टेलिव्हिजनवर एक जाहिरात सुरू होते चॅनलवर, उठा उठा दिवाळी आली, मोती स्नानाची वेळ झाली. मी पुन्हा सांगतोय, मोती शब्द वापरतोय, काही लोकांना मोदी ऐकू येईल, मोती स्नानाची असं मुद्दामून सांगतोय मी की मोदी स्नान नाही. तर त्याच्यामुळे आम्हाला कळतं, तसंच बाजारात जेव्हा दिवाळी अंक दिसायला लागतात आणि त्यात सुद्धा ऋतुरंगासारखे दर्जेदार अंक दिसायला लागतात, तेव्हा दिवाळी आली याचा आम्हाला आनंद होतो. गुलजारांच्या हस्ते होतंय आणि 80व्या वर्षी कुंचला हातात धरून त्यांनी चितारलेल्या मुखपृष्ठासोबत हे चित्र येत आहे, हे सगळं तुमच्या समोर येत आहे. एका अर्थीनं गुलजारांचं चित्र हे संग्राह्य आहे अधिक का गुलजारांचा लेख अधिक संग्राह्य आहे, याच्याकरता तुम्हाला ते वाचावं लागेल. निश्चित तुम्हाला हा अंक इतर अनेक 24 अंकांसारखाच आवडेल. 25वा टप्पा पार होतोय, आता वाटचाल ही सुवर्ण शतकाकडे. त्या 50व्या अंकासाठी तर आत्ता शुभेच्छा देतो, धन्यवाद. मी गुलजार साहेबांच्या घराजवळ राहतो, पण मला बऱ्याच वेळेस पत्ता सांगताना सांगावं लागतं मी गुलजार साहेबके घर के नजदीक राहतो, कारण राजकारण्याला खरं म्हणजे ओळखू नये अशा श्रेष्ठ साहित्यिकांच्या ओळखीनेच त्याच्या घराची ओळख दुसऱ्याची झाली पाहिजे असं. ते एवढे मोठे कवी आहेत, एवढे मोठे कवी आहेत, पण साध्या साध्या माणसाला देखील मगाशी अरुण शेवते सांगत होते तर लगेच त्या कानाला हात लावतात. आणि एकाने असाच फोटो काढला होता सोलापुरात, गुलजार साहेबांनी तुमच्या समोर कानाला हात लावतात म्हणाले माझी पंचायत झाली सगळी, एवढा मोठा माणूस. पण त्यांना ती सवय आहे. गुलजार साहेब आणि शेवते हे नेहमी सकाळी 8 वाजता आपला कोरा चहा घेत असतात, ब्लॅक टी त्याला म्हणतात, आणि त्याच्यातून त्यांच्या गप्पा रंगत असतात. अरुण शेवते मला भेटले 2006-07 दरम्यान आणि तेव्हापासून ते माझे मित्र झाले. ते मित्र एवढ्याच करता झाले की शून्य मिळवणारे जे विद्यार्थी असतात, नापास विद्यार्थी, त्या नापास विद्यार्थ्यांची गोष्ट त्यांनी ते पुस्तक लिहिलं आणि तेव्हापासून मी त्यांच्यावर प्रेम करायला लागलो. खरं म्हणजे राजकारणाच्या जीवनामध्ये नाट्य असल्याशिवाय त्याला मजाच येत नाही. बेसिकली राजकारणी हा नाटकी असतो, कारण त्याला हे नाटक करावं लागतं समाजामध्ये, आणि त्याचं चित्रण मग पुलंच्या सारखे करत असतात, गुलजार साहेबांच्या सारखे करत असतात, आणि मग आम्हा सगळ्या लोकांना मेरा कुछ सामान रह गया है असं म्हणा. आणि म्हणून आज त्यांनी जे साहित्याचे सामान ठेवलेले आहे देशामध्ये ते जीवनभर असंच राहणार आहे. गुलजारजी तुम्ही जे म्हटलं की मेरा कुछ सामान रह गया है,
वो आपको नहीं मिलने वाला है. समाज के लिए आपने जो दिया है उसका हमेशा के लिए संस्कृत सुसंस्कृत जीवन बनाने के लिए उनके जीवन में रहेगा. असो श्रुती जी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. तुम्ही हे सगळ्यांना बोलू शकता हे तुम्हीच, नाहीतर हे लोक कोणाकडे येत नाहीत. असं हे असं नाही आलं असतो, तुमचं फारच चांगलं आहे, पण आज माझी वेळ आहे तिथं. पण आपण सगळ्यांबद्दल मी त्यांच्यातर्फे तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा अरुण शेळकेला मनापासून धन्यवाद देतो. अशीच पुस्तकं लिहित चला, नवीन नवीन समाजामधले पूज्य घेणाऱ्यांना शोधत चला आणि ती माणसं किती मोठे होतात हे समाजाला दाखवत चला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.